फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मिले हैं एक नई रेसिपी के साथ। आज मैं रेसिपी लाई हूँ उन माओं के लिए जिनने जो अपने बच्चों को नाश्ता देने, ब्रेकफास्ट या फिर स्कूल लंच देने के वक्त बहुत परेशान होती है, तो आज मैं उनके लिए इजी सा ब्रेकफास्ट और उनके बच्चों के लिए इजी सा लंच लाई हूँ। तो बहुत आसान इन्ग्रीडियंट्स है बताए, तो चलिए अपना लंच रेडी करते हैं। तो अभी बस ब्रेड कबाब बनाने के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं: 2 टेबलस्पून मैदा, 2 टेबलस्पून हमने लिए कॉर्नफ्लावर, 6 स्लाइस हमने लिए हैं ब्रेड के, 1 चौकी वो ऑनियन, 1 चौकी वो टमाटो एंड 1 चौकी हमने हरी मिर्च लिए और 1 चौकी हमने कैप्सिकम लिया है, 1 टेबल स्पून चौकी हुआ हमने हरा धनिया लिया है, 1/2 लेमन लिया। व्यूअर्स, लेमन से इस हमारे कबाब का खट्टा खट्टा सा प्यारा प्यारा सा फ्लेवर आएगा। 1/2 टीस्पून हमने साल्ट लिया है, 1/2 टीस्पून हमने जीरा पाउडर लिया, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर एंड 1/2 टीस्पून हमने चिली फ्लेक्स लिए। तो चलें इंग्रीडियंट्स को मिक्स करते हैं। जी दोस्त, हम लोग अब इसे शुरू करेंगे। हमने लिए 1 बाउल में वाटर और अब हम लोग अपनी ब्रेड को इसमें सॉफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह से अपनी ब्रेड को इसके अंदर इस तरह से सारी को इस तरह से सॉफ्ट करके और इसका जो पानी होगा ना इस तरह से हम इसे बीच में इस तरह से निचोड़ लेना है और इस तरह से रख लेना है। और हम लोग ने अपने बाकी पीसेस भी इसी तरह से कर लेना है। आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, आपने इसी तरह से अपनी सारी पीसेस को ऐसे सॉफ्ट कर लेने और पानी में निचोड़ देना है। इंग्रीडियंट्स, हमने अपनी सारी ब्रेड को सॉफ्ट करके एक बाउल में डाली। अब हम लोग अपनी इसमें सारी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। टमाटो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टमाटो, कैप्सिकम, हरा धनिया और अपने चिली फ्लेक्स, साल्ट, ब्लैक पेपर, हरा धनिया, जीरा पाउडर, सब धनिया पाउडर सॉरी, और सारे मसाले डाल देने हैं। ग्रीन चिली, कॉर्नफ्लावर, मैदा और अब चले मिक्स करते हैं। अब हम लोग इसमें अपना 1/2 लेमन और 2 टेबलस्पून केचप डालेंगे। मेरे पास गार्लिक वाली केचप है, तो मुझे ज़्यादा स्पाइसेस पसंद है ना, तो इसलिए मैं ये वाली डाली। आपके पास जो भी केचप आप डाल सकते हैं। और आप ये देखें, हमने इसे इस तरह से मिक्स कर लिया है। ये बैटर हमारा रेडी है। मैंने अपने हाथों को ग्रीस कर लिया है ऑयल के साथ, ऑयल के साथ हमने अपने हाथों को ग्रीस कर लिए। और मैं अभी इसे गोल टिक्की बनाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझसे नहीं बनती, मैं छोटी हूँ तभी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा फैलाने की कोशिश कर रही हूँ, शायद मुझसे बड़ी बने। आप अपने स्टाइल से बना सकते हैं, नगेट्स टाइप में बना सकते हैं, सीख कबाब की तरह ऐसे बना सकते हैं, ट्रायंगल शेप्स के शेप दे सकते हैं आप। मुझसे अभी सर्कल शेप तो नहीं बनती, आप सर्कल शेप भी बना सकते हो और इतनी इतनी आपने टिक्कियाँ बना लेनी होगी। जी तो दोस्त, आप देख सकते हैं कबाब हमारे रेडी हो गया। अब हम लोग कैसे ऑयल में फ्राई करेंगे। जी तो दोस्त, अब ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख लिया। हमने व्यूअर्स अपने कबाब को ठंडे ऑयल में नहीं रखना, हमने ऑयल हमारा गर्म होगा तो हमने तब अपने कबाब को बीच में रखना है। जी तो दोस्त, ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब हम लोग इसमें अपने कबाब डालेंगे और बाकी भी सारी टिक्कियाँ हम लोगों ने इसी तरह डाली है। जी दोस्त, कबाब हमारे एक तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गया, हम लोग इसे डन करेंगे। और व्यूअर्स, आपको याद रहे कि हम लोगों ने अपने कबाब को गोल्डन ब्राउन होने तक रहने पकाने हैं, और आप देख सकते हैं हमारे कबाब गोल्डन ब्राउन हो गए। और आपको ध्यान रखना है आपके इस बात का कि आपकी टिक्कियाँ भी ना टूटे। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, हमारे कबाब रेडी हो गए हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए। हम लोग इसे बाहर निकालेंगे।
माशाल्लाह सुभानअल्लाह व्यूअर्स सब देख सकते हैं हमारे कबाब की शेप कितनी सॉरी कितने प्यारे गोल्डन ब्राउन हुए हैं। और आपने जरूर अपने घर में ट्राई करना और अपने बच्चों को ज़रूर ब्रेकफास्ट और लंच में बना कर देना स्कूल लंच में। और आपने अगर आपको ये रेसिपी प्यारी लगी हो तो आपने मेरे चैनल के शेफ को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना व्यूअर्स सब्सक्राइब करना से ये होगा कि मेरी हर आने वाली वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुँचेंगी। और आपने इसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता आपने मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप ये कबाब कैसे बनाएं। थैंक यू अल्लाह हाफिज़।